और यहां एक बात थोड़ी सी कड़वी है, अल्लाह करे हमें हजम हो जाए। अली रजी अल्लाह तआला कहा करते थे, एक बात को यकीन कर लेना तो सारी जिंदगी परेशान नहीं होता। लोगों ने कहा ये क्या, उमर ने तो दो बातें कही, आपने एक बात कह दी। उमर रजी अल्लाह तआला नु कहते थे, दो बातें किसी को समझ आ जाए पूरी जिंदगी टेंस नहीं होगा। जी कौन सी दो बातें? इन्ना कुल्ला शैइन खलकनाहु बिकदर। अल्लाह फरमाते हैं हमने हर चीज का एक अंदाजा लगाया, इतना देना है। बंदा परेशान कब होता है? नहीं, अल्लाह तूने जो अंदाजा लगाया ना वो ठीक नहीं लगता, नाउज बिल्ला, मुझे कुछ ज्यादा दे, ज्यादा मिल जाएगा। मैं अपनी ख्वाहिश का अपने रब को पाबंद कर सकता हूं? ये कैसी दानिशबंदी है, जो लिखा है वो मिलना है। और अल्लाह ने तो हमारे आने से पहले भेज दिया, ये उम्र भी 40, 4 महीने का बच्चा होता है। वालदे तो भी सोचते हैं कि बिस्तर कैसा होगा, फीडर कैसा होगा कल को। अल्लाह ताला फरिश्ते को कह देते हैं इसका रिज्क लिख दो, ये भी दुनिया में नहीं आया, इसके रिज्क की प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी होती है। قد جعل الله لكل شيء قدرا। अल्लाह ने एक वक्त मुकर्र किया है, इस वक्त दूंगा। बंदा कहता नहीं अल्लाह पहले दे, मिल जाएगा, परेशानी का इस वक्त। और अली रजी अल्लाह तआला ने कहा करते थे, परेशानी से बचना है तो आसान हल है, जिंदगी को जरूरत समझ के गुजारो, खास समझ के ना गुजारो। क्योंकि जरूरत हर रोज अल्लाह फकीर की भी पूरी कर देते हैं, ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। कोई बंदा खास अगर जरूरत समझता है, सवाल ही पैदा नहीं होता उसको परेशानी हो। जब वो कहता है ना मेरी ये और ये और ये और ये ख्वाहिश भी पूरी हो, मेरा स्टेटस ये होना चाहिए, मेरा इमेज ये होना चाहिए, और पता नहीं क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती।